नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा, और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ओके फ्रेंड्स, हाइट के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? ये एक चिकित्सा पद्धति होती है होम्योपैथी, तो इसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था हनीमैन। हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। ओके फ्रेंड्स, होम्योपैथिक और हनीमैन इसमें नाम कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको पहचान लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1995 में। 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। मछली सांस लेती है, मछली सांस लेती है किसके द्वारा? तो होता है गिल्स के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, मछलियाँ सांस किससे लेती है? गलफड़ों द्वारा या गिल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में किससे बनती है? वो है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय के द्वारा बनती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर होगा 46। ओके फ्रेंड्स, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, विटामिन ए सर्वोत्तम किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गाजर। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, और फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से आँखों में अंधापन आ जाता है। ओके, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से आँखों में अंधापन आ जाता है, और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो वो कौन सा अंग है पौधे का? वो है पत्ती। पत्ती पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग कैसे होता है? वो होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी हो जाने से मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर होगा 206। 206 हड्डियाँ मानव शरीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वो कौन सी नदी है जिस पर सबसे लंबा सड़क पुल है? ओके फ्रेंड्स, तो नदी है गंगा नदी। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क का पुल है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कावेरी नदी कहाँ घिरती है? कावेरी नदी कहाँ पर घिरती है? तो उसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। तवा नर्मदा की सहायक नदी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।